सोहबतपुर की यूसी दरगई में यतीम बच्चों और बेवा खवातीन में रमजान फूड पैकेज और ईद के कपड़े तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं सावल जान की ये रिपोर्ट। सोहबतपुर की यूसी दरगी में 250 यतीम तलबा और तालबात में राशन तकसीम के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें फलाही इदारे के अहदेदारों और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मैं यतीम हूँ, मेरे पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं थे, तो हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने हमें ईद के लिए नए कपड़े थे। मैं बहुत परेशान थी कि मुझे ईद के कपड़े नहीं है, तो हेल्पिंग हैंड वालों ने मुझे कपड़े दिए और मैं खुश हूँ। हेल्पिंग हैंड के आरफन सपोर्ट प्रोग्राम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाफिज नसरुल्लाह चन्ना, रीजनल कोआर्डिनेटर आगा अब्दुल फतेह पठान और सोशल ऑर्गेनाइजर लाल मोहम्मद शाही ने यतीम और नादार बच्चों और बच्चियों और बेवा खवातीन में ईद के कपड़े और रमजान फूड पैकेज के तहत राशन तकसीम किया। दरगी यूनियन काउंसिल में 250 बच्चे हैं, जिसको हम पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं मनी ऑर्डर के जरिए। आज हम इन बच्चों में कपड़े तकसीम कर रहे हैं। इन यतीम और गरीब बच्चों की तो एनजीओ ने मदद कर दी है, मगर पूरे मुल्क में ऐसे लाखों यतीम और नादार बच्चे हैं, उन सब में इस ईद पर खुशियाँ कौन बांटेगा, ये सोचना हम सब पर फर्ज है। कैमरा टीम के साथ सावल जान, न्यूज़ 1 सोबतपुर बलोचिस्तान। और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का।